नमस्कार, मैं सोनी सिंह आप लोगों को केवी स्टूडियो के इस खास कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। आज हमारे बीच ऐसे शख्सियत है जो एबीवीपी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं। जी हाँ, और ये बिहार से यहाँ पे अपना कीमती समय दिए हैं। इनको केवी स्टूडियो की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आइए इन शख्सियत से जानते हैं इन्होंने इसमें कैसे आया और क्या क्या कार्य किया। सर, आज जो हमारे दर्शक केवी स्टूडियो के माध्यम से जो हम लोग को देख रहे हैं, सर प्लीज अपना नाम उनको बता दीजिए। बहुत दर्शक आपको जानते भी होंगे, बहुत दर्शक नहीं भी जानते होंगे, तो आप अपना नाम सर बता दीजिए। सबसे पहले तो केवी स्टूडियो के आप तमाम जितने भी साथी, आप सबों का आभार। आप इस केवी स्टूडियो रूपी बीज को आप वृक्ष लगाने में संकल्पित हैं, अपना समय दे रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और सबसे बड़ा, मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता जो एक छोटे से गांव से आता हूं और उस इतना बड़ा मंच दिया, उसके लिए डॉक्टर रोशन सर का विशेष आभार। मेरा नाम मनु मृणाल सिंह, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अभावी बिहार। तो सर, आप प्रॉपर बेगूसराय? मैं प्रॉपर बेगूसराय की तेगरा प्रखंड के गांव निपनिया का रहने वाला हूँ। मगर बचपन की मेरी शिक्षा मेरे नानी के गांव बिहट में हुई। मुझे जो भी आज सम्मान है, जितना मेरा नाम है, उसी बिहट की नगरी से है। और मैं बार-बार जब तक हूँ उस बिहट की नगरी को नमन करता रहूँगा, क्योंकि तो जितना भी मैं मुझे मिला वो सब इसी नगरी की देन है। संस्कृत में जैसे इंग्लिश में ग्रेजुएशन होता है, वैसे मैं संस्कृत में शास्त्री होते हैं। मैं शास्त्री तक की शिक्षा वही नवादा से। बिहट वो भूमि शहीदों की भूमि रही है। शहीद नीरज कारगिल के शहीद है, शहीद संजीव, शहीद राजीव जैसे भारत माँ के सपूतों के जन्मभूमि में मैं पला बढ़ा, ये मेरे लिए बहुत गर्व बहुत सम्मान की बात है। बिहट से बहुत राज्यपाल हुए वाल्मीकि बाबू, बिहट से हमारे आईजी हुए हैं विकास वगैरह, उन सभी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ। मैं गर्व है मुझे इस बात का, उस नगरी से हूँ जहाँ इतने बड़े बड़े लोग हैं, और मैं उसी नगरी से बड़ा हो रहा हूँ और कुछ पाने की इच्छा लिए इसी नगरी में जी रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने सुना है सर, आप एबीवीपी के स्टूडेंट हैं, मतलब उसके कोई कार्यकर्ता टाइप का, तो उसमें आने का क्या उद्देश्य आपका? देखिए, बचपन से एक सेवा का भाव था, एक देशभक्ति थी, और परिषद एक ऐसा विद्यालय है जो हमें संस्कार देती है, लोगों को सेवा भाव करने का एक मौका देती है, एक प्लेटफॉर्म देती है जहाँ से हम उसकी सेवा करते हैं लोगों की भारत भक्ति के लिए। भारत भक्ति हमारी सेवा है, भारत भक्ति हमारी पूजा है। इस उद्देश्य से संगठन हमें चलना, हमारे संस्कार को बहुत तरह का बदलाव आया संगठन में जुड़ने से, हमारे बोलचाल में बदलाव आया, हमारे संस्कारों में बदलाव आया, क्या करना चाहिए हमें, क्या अच्छा है क्या गलत है, वो परिषद ने हमें सिखाया। एक सेवा भाव का माध्यम था, तो परिषद से जुड़े बचपन में जाते थे, परिषद सिर्फ जानते थे ये परिषद है, छात्र हित के लिए काम करती है। बाद में इससे जुड़ते चले गए, आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रदेश कार्यकारिणी का दायित्व सौंप रखा है, जिससे मैं बखूबी निर्वहन कर रहा हूँ और लोगों के साथ मिला। आप इसमें कब जुड़े थे? 2015 में। 2015 से अभी तक कार्यरत है? जी, कार्यरत। आपने इसमें जुड़ने का मतलब क्यों, आप इसमें क्यों जुड़े, और भी बहुत सारा था जिसमें आप जुड़ सकते थे? देखिए, बहुत सारे संगठन है जो छात्र जदयू से हूँ, सब नीतीश कुमार जिंदाबाद, मतलब किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर हैं। हम संघ के हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमारे मातृ संगठन है जिसके हम बच्चे हैं, और हमें बस विद्यार्थी परिषद का एक ही नारा है, भारत माता की जय, वंदे मातरम, दूसरा कुछ होता नहीं है। और अच्छा लगा चापलूसी करना, किसी नेता मंत्री से अच्छा है भारत माता की जयकार करे। और इसका एक सपना है, विद्यार्थी परिषद का भारत पुनर्निर्माण का एक सपना है। भारत पुनर्निर्माण का तात्पर्य हमारा जो वैदिक सनातन जो नष्ट होते जा रहा है, हम लोग वेस्टर्न कल्चर पे जी रहे हैं, उसको फिर से हमारे सनातन संस्कृति को जीवित करने के लिए विद्यार्थी परिषद कार्यरत है, और ये काम मुझे अच्छा लगा। भारत धाम जो भी हमारा भारत है, उससे बड़ा कुछ नहीं हमारे लिए, तो जो भारत भक्ति कर रहा है उसका साथ देना उचित समझते हैं, इसलिए विद्यार्थी परिषद के साथ जुड़े। इसमें जुड़ के आपने कौन कौन से कार्य किया, इसे तो बयां करना 15 से 20 अभी 21 चला, 6 साल लगभग हो चुका है, ये बयां करना तो बहुत टफ है, आप शॉर्ट में प्लीज हमारे दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, सबसे बड़ी जब से परिषद में जुड़ा, विभिन्न देश राष्ट्रद्रोही ताकतों के खिलाफ आंदोलनों में हिस्सा लिया, छात्र हित के लिए कॉलेजों में आंदोलन किया, पटना गया, विश्वविद्यालय में आंदोलन किया, छात्र संघ चुनाव में हिस्सा लिया, और कोरोना काल में तो आप देख रहे हैं उसमें हिस्सा लिया, एक विद्यार्थी परिषद बिहट इकाई के द्वारा एक मुहिम चलाई गई नेकी की दीवार,
उसमें हिस्सा लिया और बहुत सारे ऐसे का जिससे मैं बता ही नहीं सकता, मैं बता नहीं सकता, बहुत पूरा दिन लग जाएगा इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग को देख रहे हैं, वो बहुत सारे दर्शक आपको जान रहे होंगे और बहुत सारे नए दर्शक होंगे जो आप अभी जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने क्या किया और क्यों जुड़े इनसे। तो इसीलिए मैंने बोला कि सर प्लीज शॉर्ट में आप बयां कर दीजिए जी। तो आपने इतना सारा कार्य किया जी, और इसमें आपको जुड़ने का कोई दूसरा उद्देश्य नहीं? नहीं नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, भारत भक्ति हमारी सेवा, भारत भक्ति हमारी पूजा, एक उद्देश्य के साथ विद्यार्थी पहले जुड़े हैं और व्रत इनका कार्य चलता रहेगा। अगर आगे किसी काम में हुए तो विद्यार्थी परिषद के हित सोचता रहूंगा, विद्यार्थी परिषद का स्टूडेंट का हेल्प करते रहिएगा, क्योंकि स्टूडेंट को विद्यार्थी परिषद सिर्फ कैंपस तक सीमित नहीं है, विद्यार्थी परिषद हमारे समाज में बहुत सेवा कार्यों के माध्यम से समाज में हर व्यक्ति तक पहुंचने का कार्य करती है। वो परिषद की पाठशाला हो या और पाठ सेवा पाठ सलाहकार, ऐसा नहीं है सिर्फ स्टूडेंट ही फंसे हुए हैं, और भी बहुत लोग फंसे हुए हैं। तो विद्यार्थी परिषद सिर्फ कैंपस तक सीमित नहीं रह गई, विद्यार्थी परिषद हमारी सोसाइटी तक है। तो इसमें आपने जिला अध्यक्ष करके कोई पोस्ट आपको मिला? प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य हूं। तो ये आपको कैसे मिला? संगठन सेवा भाव को देखते हुए, नेतृत्व की क्षमता, हमारे नेतृत्व की क्षमता को देखते हुए संगठन ने प्रदेश कार्यकारिणी का दायित्व सौंपा जी। इसके लिए सर आपको स्ट्रगल करना पड़ा होगा, मेहनत करना पड़ा। किसी कार्यकर्ता को कोई दायित्व, हम अब कहीं जा रहे हैं तो हमें कोई दायित्व नहीं दिया जाता है, उसके लिए हमें सीखना होता है। विद्यार्थी परिषद सिखाए और जब उनकी नजर में आए तो ये कर सकता है, तो फिर हमें उस प्रदेश कार्यकारिणी की टीम में शामिल किया। कब हुआ, कभी आपको 2020 के जी जी मार्च में। आपको कैसा लगा इसमें शामिल? बहुत खुशी हुई कि विद्यार्थी परिषद इतना बड़ा छात्र संगठन, विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है और बिहार प्रांत का मैं कार्यकर्ता हूँ, और मुझे इतने छात्रों में लगा उन्हें कि ये कर सकता है, तो उन्हें मेरी टीम में शामिल किया। इसके लिए मैं विशेष आभार रहूंगा विद्यार्थी परिषद बिहार प्रांत के बड़े दायित्वान कार्यकर्ता हूँ। आपके कार्यरत को देखते हुए, आपके मेहनत को देखते हुए, आपको वो मुकाम सेवा देखते हुए, लगाव देखते, लगा देखते हुए, आपका जो निस्वार्थ भाव से जो आपने सेवा किया था उसको देखते हुए आपको ये मुकाम प्रदेश शामिल। उसके बाद आपने इसमें शामिल होकर क्या क्या कार्य किया? प्रदेश कार्यकारिणी की टीम में शामिल होने के बाद जो एक दायित्व है, एक बैठक होती है, आपको जिला में क्या करना है उसके लिए प्रदेश कार्यकारिणी की टीम जाती है, बाकी काम हमें कार्यकर्ता की भांति करते हैं। हम कोई संगठन में मुखिया नहीं हो गए या फिर कुछ बड़े लोग नहीं हो गए, एक कार्यकर्ता रहते हैं और जो काम हम नगर का पहले करते थे वो अब भी करते हैं, बस कुछ दायित्व बढ़ा रखता है, काम से होता है जी। बिल्कुल दायित्व हमें अच्छा लगता है, सम्मान के साथ अगर प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं तो लगता है सम्मान का भाव है हमारे पास। जो बात करते हैं तो कोई कहते हैं प्रदेश कार्यकारिणी के साथ अच्छा लगता है देखना, और एक बहुत बड़े छात्र संगठन के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य, तो ये बात बहुत बड़ी मतलब स्वभाव की बात है। तो सर आज मुझे पता चला जैसा कि आपको पटना में कोई ब्लड का जी मैं बताना चाहूँगा, मैं जंगला वाहिनी एक गैर राजनीतिक छात्र संगठन है, गैर राजनीतिक, उसके लिए भी काम करता हूँ। नाम सुना जी, जंगला वाहिनी बेगूसराय की टीम चलाती है, उनको बहुत सारे लोग हैं, सुमन सुमित वगैरह लोग हैं, तो उनसे मिला, एक भावना हुई लोगों को। ये राम अगस्त में 2020 के अगस्त में ही मैं सुमन से मिला था, मैं ब्लड डोनेट करने आया था किसी पीड़ित के लिए, तो मुझे अच्छा लगा ये एक टीम है जो लोगों को पूरे बिहार प्रांत में, पूरे भारत में अगर रक्त की व्यवस्था के लिए तत्पर रहती है, रक्तदान करवाती है, तो मुझे अच्छा लगता था लोगों की सेवा करना, एक प्लेटफॉर्म और मुझे मिल गया। ऐसे ब्लड आप कहीं कर रहे हैं तो बहुत बात हो जाती है, आप ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं, तो एक संगठन के माध्यम से जिसको सारे लोग जानते हैं उससे जुड़ना चाहा, और आज लगभग 2-3 बार जयमंगला वाहिनी के थ्रू ही मैंने रक्तदान किया है खुद से भी, इस साल में मतलब 1 साल होने वाला, 3 बार रक्तदान कर चुका हूँ। कैसा लगा ब्लड डोनेट करके? कैसा लगता? ब्लड डोनेट करने के बाद एक खुशी होती है, मेरे खून से किसी आदमी का किसी जान बच रहा है, वो एक बहुत बड़ी खुशी होती है, उसको बयां करना बहुत। हमारे दर्शक जो अभी देख रहे हैं उनमें से मुझे नहीं लगता कि 1% भी इंसान में ये भावना होगी कि वो ब्लड डोनेट करे, उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे सर? देखिए ऐसे लोगों को कहना चाहूंगा तो जिंदगी उसी का नाम है जो दूसरों के काम आए, और रक्तदान से आप सोना दे सकते हैं, पैसा दे सकते हैं, अपना घर दे सकते हैं, और उनसे उनका कुछ भी नहीं हो सकता, कितने दिन खाएंगे वो जब जिंदा ही, अगर किसी को रक्तदान करते हैं उसकी जिंदगी बचती है, जो उससे बड़ा दुआ आपको कभी नहीं मिल सकता। और अब तो बदला है समय,
युवा आगे आ रहे हैं, मोटिवेट करते हैं तो युवा आगे आते हैं। अभी भी कुछ लोग हैं जो नहीं करना चाहते, ऐसे लोगों को कहना चाहूँगा अगर आपके रक्त से किसी की जिंदगी बच रही हो तो आप रक्तदान करने के बाद जरूर जाए, और रक्तदान करने के बाद आपको कोई दिक्कत हो तो आप बताइएगा, और खुशी हो तब भी बताइएगा। मैंने आज सुना था सर आप पटना में कोई ब्लड का व्यवस्था कर रहे हैं, तो ये आपके लिए तो बहुत मुश्किल होता होगा। पटना अब हमारे मित्र हैं, सर की बड़ा है, फोन आने के बाद लगता है किसी तरह कर दी जाए, तो बहुत कोशिश करते हैं, मोटिवेट करना पड़ता है, बहुत बार लोगों के पांव तक पकड़ने पड़ते हैं इमरजेंसी केस में जो आपके प्यार चले, और हम लोग ले जाते हैं उनको, तो एक मोटिवेट करना बहुत मुश्किल होता है। होते हैं मोटिवेट, 90% होते हैं, 10% नहीं होते। प्लीज हमारे दर्शकों को बता दीजिए, जिन्होंने अभी तक अगर ब्लड डोनेट नहीं किया होगा पूरे लाइफ में, तो वो अपना ब्लड डोनेट करके कोई पेशेंट का जान बचा सके। देखिए मोटिवेट करने का अपना वो होता है, मोटिवेट हम कर रहे हैं आप किसी की जिंदगी में सेवा का भाव जगा कर, मोटिवेट उनमें ब्लड डोनेशन की अच्छाई बताकर मोटिवेट करना चाहते हैं, और जिस तरह से पैर भी पकड़ते हैं हम, तो कहते हैं पैर भी पकड़ना पड़ता है कभी कभी हमें रक्तदान के लिए। आप ये सब क्यों करते हैं सर? एक सेवा का भाव, एक आप लोगों के प्रति एक ईमानदारी, समाज में आया हूँ तो आप लोगों के लिए कुछ करूँ, आप लोगों के साथ जीऊँ, जिंदगी अकेले सब जीते हैं, आपके साथ जीने जिंदगी की कुछ मजा और है, इसलिए एक सेवा भाव में आपके साथ जुड़े रहते हैं, कोई स्वार्थ नहीं है, बस आपके साथ जुड़ा रहना हमारा एक मकसद है। देखिए समाज में बहुत तरह भ्रांतियां फैला दी गई है, रक्त डोनेट करने से हमारे शरीर में खून कम हो जाएगा, बीमार हो जाएंगे, मैं उनको बताना चाहूंगा जितना हम रक्त डोनेट करते हैं उतना 24 घंटे में हमारे शरीर में आता है, और 3 महीने में वो मेंटेन कर लेता है पूरे शरीर को, और हर 3 महीने में रक्तदान करने से कोई खराबी नहीं होती, हमारा डाइट सही होना चाहिए। देखिए मैंने भी सुना है सर ब्लड डोनेट करने से आपको ही फायदा, पहला फायदा तो आपको ये होता है कि आप किसी को ब्लड डोनेट कर रहे हैं ब्लेसिंग मिलता है आपको, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, और आपको बहुत अच्छा लगता है। जो दुआ मिलती है वो किसी चीज को डोनेट करने के बाद नहीं मिल सकती है, रक्तदान आप अपनी जिंदगी का जीवन का एक हिस्सा दान कर रहे हैं, एक अपने शरीर का अंग दान करना हुआ, एक दिन के लिए 24 घंटे तो लगता है हमने दान किया, और ठीक है हमारा आ जाएगा, हमने निकाला तो जरूर, खून के लिए देख रहे हैं खून के लोग मर कट रहे हैं, हम तो खून लेके जिंदगी बचा रहे हैं किसी की। मैंने सुना था कि सर ब्लड डोनेट करने से ना आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है, पहला बेनिफिट मैंने जो बताया कि आपको ब्लेसिंग मिलती है, जो कि आपको कोई भी काम से जल्दी नहीं मिलती, ब्लेसिंग आदमी को लेना चाहिए, और दूसरा सबसे बड़ा बात है कि नया ब्लड आपके शरीर में बनता है, और तीसरी सबसे मेन बात है जो अभी के टाइम में ना जो बीमारी बीमार जो हो रहा है आदमी वो नहीं होते हैं, क्योंकि ब्लड जो नया नया बनता है वो आपको बीमारी नहीं आने देता शरीर में, इससे ब्लड निकलता है और नया ब्लड बनता है, इसलिए ब्लड डोनेट कीजिए। ब्लड डोनेट के लिए तो बेगूसराय के युवा को कहना चाहूंगा, अगर आप कभी भी आपको मौका मिले जीवन में रक्तदान करने का तो रक्तदान कीजिए, इससे ज्यादा बड़ी खुशी आपको कभी जीवन में मिल ही नहीं सकती। हम दुआएं पैसे से नहीं खरीद सकते हैं, सबसे बड़ी बात है, और रक्तदान करने के लिए हमें अम्बानी का फोन नहीं आता, रक्तदान करने के लिए हमें फोन आता है वैसे लोगों का जो ठेला चालक है, रिक्शा चालक है, जिनके पास कोई नहीं है, और रक्त खरीदने की भी चीज नहीं है, रक्त क्यों खरीदे हम, रक्त अवैध है, रक्त बेचना अवैध है, रक्त खरीदना अवैध है, स्वेच्छा से डोनेट कर रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है, पैसे लेके आप 2-3 दिन खाओगे, दुआ लेके जिंदगी बिताओगे, सबसे बड़ी बात है। इसके अलावा सर आप क्या करते हैं, ये समझ में आप तो बहुत महान महान कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल सोशल वर्क के सिवा देखिए घर से सपोर्टेड है, घर से किसी चीज का प्रेशर नहीं है, तो सोशल वर्क के सिवा दूसरा कुछ दिखता ही नहीं, सोशल वर्क। आपने अपने फ्यूचर में क्या सोचा है? एक होता है आदमी को जॉब करना, मुझे सरकारी जॉब लेना, मुझे बिजनेसमैन बनना, हर इंसान का अपना अपना गोल होता है। हमारा अपना धंधा है, बिजनेस है, हमारे पिताजी का बिजनेस ही देखना है, मगर सेवा कार्य के साथ ही, मतलब बिजनेस के साथ आपको ये समाज सेवा कर रहे हैं, 1 घंटे निकालू, 2 घंटे निकालू, 3 घंटे निकालू सेवा कार्य के लिए, समय अपने जीवन में। तो ये जो अभी हमारे जो बेगूसराय के दर्शक देखते हैं या कहीं के भी दर्शक हम लोग को ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से देख रहे हैं, उनको क्या बोलना चाहेंगे आप, 2 लाइन उनको बता दीजिए आप अपनी तरफ से सर। बिल्कुल मैं यही कहना चाहूंगा आप तमाम केवी स्टूडियो के दर्शक को, आपको जब भी मौका मिले जीवन में, जब भी मौका मिले किसी की मदद करने की, तो बिल्कुल पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि जिस आदमी की आप मदद करेंगे उसकी खुशी और आपकी खुशी दोनों मिलके जो खुशी होती है उसको बयां करना शब्दों में बहुत मुश्किल है, तो जीवन में सेवा का मौका एक बार आप सेवा मदद जो लोगों की जरूर करें,
चाहे किसी ना किसी भाव में आप करें। तो सर जैसे आपसे अगर कोई स्टूडेंट को जॉब करता है, जैसे आपने बोला एबीवीपी के कार्यकर्ता है प्लस जयमंगला गांधी में आप ऐड हुए हैं 2020 में अगस्त में, तो वो आपसे कैसे कॉन्टैक्ट करता है? अगर सबको नहीं मालूम है कि आप बी हट के हैं या कहीं के भी, तो आपसे कैसे कॉन्टैक्ट करता है? सोशल साइट के माध्यम से, हमारे ग्रुप है और आप एक मोहल्ले एक गांव में पांच लोग हैं, पांच में से जरूर नहीं है पांचों नहीं जान रहे हैं, पांच में से एक लोग जान रहे हैं, तो रेफरेंस वाइज कहीं ना कहीं से रेफरेंस वाइज कॉल आता रहता है और मैं हर संभव मतलब कोशिश करता हूँ कि उनकी मदद की जाए। 99% केस में मैं हर संभव मदद करता हूँ, मदद हो जाए। 1% केस में अब जब मैं खुद बीमार हूँ या फिर किसी काम में कहीं बाहर हूँ आउट ऑफ, तभी मदद नहीं करता। फिर आप कोशिश करते हैं किसी के द्वारा, क्योंकि मैंने अभी भी देखा आपने जी, तो अभी पटना, यहाँ से पटना आपने हेल्प किया जी, एक लड़के जा रहे हैं वहाँ पटना देखने के लिए, मैं हाँ दूसरे के लिए मैं लगा हुआ हूँ, बात कर रहा हूँ जी। तो सर एक मैं हमारे दर्शक जो भी हम लोग को देख रहे हैं, तो उनको वर्ड लास्ट टाइम क्या बोलना चाहेंगे सर, ने कैसे ये प्लेटफॉर्म खोल के कैसे काम किया? बिल्कुल, मैं रोशन सर का बहुत विशेष आभार देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा। मुझ जैसे कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्रों से निकले युवाओं के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म अपनी आवाज़ को लोगों तक पहुँचाने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आप सभी के लिए स्टूडेंट के वी स्टूडियो के जितने परिवार वाले, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आप अपना समय और मेहनत से इस के वी स्टूडियो को इतना बड़ा बना रहे। तो सर से मिलकर बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। जो हमारे दर्शक अभी देख रहे हैं, जो आपके आस पास में जो भी आदमी है जिनको आपका जरूरत है, जिनको आपका सपोर्ट का जरूरत है, तो आप लोग आगे आइए, प्लीज उनको सपोर्ट कीजिए। चाहे ब्लड डोनेट हो या कोई भी कार्य हो, आप पीछे मत हटिए। अगर आप सपोर्ट करने लायक है तो आगे आके उनका सपोर्ट कीजिए। तो इस तरीके के कार्यक्रम को देखने के लिए सर का फेसबुक पेज जो डॉक्टर रोशन कुमार के नाम से, उसको फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, और जो सर का यूट्यूब चैनल स्टार्स ऑफ बेगूसराय उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि हर एक टैलेंटेड आदमी जो बेगूसराय में छुपे हुए हैं, चाहे कोई भी कोने में हो, वो आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से देखिए। और पूरी वीडियो देखने के लिए आपका